दोस्तों, निशा किचन में आपका स्वागत है। निशा की आसान सी रेसिपी। आज दोस्तों हम बनाएंगे मिर्ची का अचार। दोस्तों ये लाल मिर्ची है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है दोस्तों। अब दोस्तों इसका मिर्ची का हम अचार बनाएंगे। अचार बनाना दोस्तों बहुत आसान है। इसे हमने दोस्तों धुल लिया और धुल के इसे दोस्तों सुखा लिया था धूप में। और इसका हमने दोस्तों पीछे का पार्ट डंठल हटा दिया। उसे जो चाकू की सहायता से इसका जो हमने अंदर इसे हमने दूसरी मिर्ची ले ली है, इसमें हम दोस्तों चाकू ले लेंगे और चाकू की सहायता से बिल्कुल इसका पीछे का पार्ट आप चाहो तो दोस्तों चाकू से काट सकते हो और ना चाहो तो दोस्तों इसे बिल्कुल चाकू से घोल बना सकते हो। इसका दोस्तों जो बीज है ये हम निकाल लेंगे इस तरीका से, बहुत आसानी से निकल जाता है दोस्तों। आपके पास चाकू ना हो तो डंठा से भी निकाल सकते हो, इसे आसानी से निकल जाता है। इसके बीज दोस्तों निकाल दिए हैं चाकू की सहायता से। इसी तरह हम दोस्तों सारी मिर्ची को इसे चाकू की सहायता से काट लेंगे, उसके दोस्तों जो अंदर के बीज हैं वो निकाल देंगे। इस तरीका से दोस्तों हमने सारे बीज निकाल लिए हैं, इसका घोल हो गया है। इसी में दोस्तों मसाले भरेंगे। जो दोस्तों बीज हमने निकाल दिया है इसे दोस्तों मसालों में ही भरेंगे। इसी में दोस्तों मसाले बनाएंगे। ये दोस्तों अमचूर पाउडर, ये दोस्तों आम का अचार का पाउडर है गोल्डी मसाला, इसी में दोस्तों हम मिर्ची में भरेंगे। ये दोस्तों अचार मसाला गोल्डी का है दोस्तों, इसी में हम डालेंगे, इसी में दोस्तों हम डालेंगे। ये दोस्तों अमचूर पाउडर है, अब दोस्तों इसी में हम अमचूर पाउडर डालेंगे, हम डाल दिया है मसाला में। अब दोस्तों जो हल्दी पाउडर है साथ में ही, अच्छा जो साथ में मसाला को निकला है इसी में हल्दी डाल देंगे, तो हल्दी इसी में डाल देंगे। दोस्तों जो इसमें हल्दी भी है नमक भी है, इसमें साथ में ही इसमें मिला है, इसी में दोस्तों डाल देंगे जरूरत के हिसाब से। अब दोस्तों इसमें इसी में दोस्तों काला नमक डाल देंगे। दोस्तों सफ़ेद नमक तो इसमें है, हल्दी नमक और इसमें दोस्तों जो काला नमक डाल देंगे। इसी में दोस्तों मिर्ची पाउडर डालेंगे लाल कश्मीरी, जिसे अच्छा आ जाता है। और इसमें दोस्तों सरसों का तेल गर्म कर लेंगे, इसी में दोस्तों सरसों का तेल भी डाल देंगे। दोस्तों हमने तेल गर्म कर लिया है सरसों का, इसी में दोस्तों मसालों में तेल डाल देंगे। तेल हमने दोस्तों गर्म करके और दोस्तों ठंडा हो गया है, इसी में दो चम्मच हमने तेल डाल दिया है। दोस्तों मिला लेंगे चम्मच से, गिरेगी हमें डाल देंगे। दोस्तों हमने तेल दो कटोरी गर्म कर लिया है भर के, और दोस्तों जी अचार में भी डाल देंगे। दोस्तों हमने मसाला मिला दिया है इसमें दोस्तों तेल, अब दोस्तों जी चम्मच की सहायता से इसी में मसाला भर देंगे। इसी तरह हम दोस्तों इसी में दोस्तों मसाला भर देंगे। इसी में दोस्तों दाब दाब के मसाला इसी तरह हम सब मिर्ची में भर लेंगे। इसी तरह दोस्तों दूसरी मिर्ची ले लेंगे, इसमें मसाला अंदर तक बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, फिर इसे चाकू की सहायता से या चम्मच के डल से इस तरीके से भर देंगे। इसे दाब दाब के दोस्तों अंदर तक ये मिर्ची मसाला चला देंगे अंदर तक। मिर्ची को भर लेंगे मसालों से। दोस्तों मिर्ची का अचार बनके रेडी है। इसे दोस्तों बनाना बहुत आसान है। इसमें दोस्तों जो हमने सरसों का तेल गर्म किया है इसमें दोस्तों डिब्बे में रख के, अब इसको दोस्तों तेल गर्म करके और ठंडा हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे। दोस्तों मिर्ची का अचार एक से दो दिन में खाने वाला हो जाएगा दोस्तों, इसे सालों साल खा सकते हो दोस्तों। और मिर्ची का अचार बनाना बहुत आसान है दोस्तों, हम आसान सी रेसिपी लाते हैं दोस्तों। जो मिर्ची बनाने का तरीका आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी में दोस्तों तेल डाल देंगे, सरसों का तेल। ये तेल हमने दोस्तों गर्म कर लिया था, गर्म करके इसे दोस्तों ठंडा कर लिया और इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। मिर्ची का दोस्तों अचार बनके रेडी है। इसमें हमने दोस्तों सरसों का तेल डाल दिया है दोस्तों, इसमें
और तेल डालेंगे इसमें। दोस्तों तेल लग रहा कम है, बिल्कुल मिर्ची डूब जाए इस तरीका से हम इसमें तेल डालेंगे सरसों का।